इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिलकर के सरकार बनाई। लगातार मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, तो ये थोड़े चल पाएगा, वो तो गिनती होगी। इंडी गठबंधन पूरी तरह से धरातल से कटा हुआ था, उनके पास कोई जमीन नहीं थी। असत्य झूठ बातों का सहारा लेकर के उन्होंने प्रचार किया और जनता ने इसका खामियाजा उन्हें दिया। ये मनोवैज्ञानिक प्रेस बना रहे हैं। देखिए, हमारा कार्यकर्ता मजबूती के साथ अपनी ड्यूटी पर रहेगा और कहीं पर भी बेईमानी नहीं होने दी जाएगी। और इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी। क्या लग रहा है आपको, कितनी सीटें आपको मिलेंगी? सरकार बनाएंगे, अब सीटें तो 4 तारीख को आ जाएंगी जितनी भी होंगी, लेकिन इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी ये मिलकर के सरकार बनाएंगे। लगातार एग्जिट पोल की जो नतीजे आ रहे हैं उस पे आपका क्या कहना है? मनोवैज्ञानिक दबाव बना रहे हैं, तो ये थोड़े चल पाएगा, वो तो गिनती होगी। गिनती में हमारा जो भी कार्यकर्ता एक कार्यकर्ता एक एक वोट के लिए वहां पर रहेगा और बेईमानी नहीं होने देगी जाएगी। प्रशासन को लेकर कोई सवाल नहीं? अब प्रशासनिक भी काम ठीक से करेगा, प्रेशर में किसी को भी नहीं आना चाहिए, बिल्कुल फेयर चुनाव। एग्जिट पोल के नतीजे भारतीय जनता पार्टी के आशा के लगभग हैं। 4 तारीख को जब मतगणना होगी 12 बजे तक स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी। एनडीए पूरे देश में 400 पार करेगा, प्रदेश में हम 80-80 सीटें जीतेंगे। लेकिन इंडिया गठबंधन जो है वो एग्जिट पोल को मानने को तैयार नहीं, वो कह रहा है कि अब 4 तारीख तक इंतजार आप भी करो, उनको भी करने दीजिए। 4 तारीख को भारतीय जनता पार्टी देश में एनडीए 400 पार करेगा, प्रदेश में 80-80 सीटें हम लोग जीतेंगे। सर एक अहम सवाल है, केजरीवाल की जो आज है वो तिहाड़ जेल लौटेंगे क्योंकि अदालत ने उनकी राहत देने से इनकार कर दिया, उनकी जमानत याचिका मामला चूंकि अदालत में, इसलिए अलग से कुछ कहना ठीक नहीं। एक आखिरी सवाल रहेगा सर, इंडिया गठबंधन के साथ तालमेल बिठाना विफल रहा और जातिवादी सांप्रदायिक भ्रष्ट मुद्दों है, इस तरह की तमाम बात। इंडी गठबंधन पूरी तरह से धरातल से कटा हुआ था, उनके पास कोई जमीन नहीं थी। असत्य झूठ बातों का सहारा लेकर के उन्होंने प्रचार किया और जनता ने इसका खामियाजा उन्हें दिया है। सर एग्जिट पोल से लेकिन आप पूरी तरह से सहमत हैं? हाँ, हम लोग मानते हैं कि एग्जिट पोल हमारी आशा के लगभग है। 4 तारीख को हम 400 पार करेंगे और उत्तर प्रदेश में 80-80 सीटें जीतेंगे।